नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हब। लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा खराब साबित हुआ। पार्टी चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इतना ही नहीं, बीएसपी का वोट शेयर भी पिछले बार के मुकाबले गिर गया। 2019 के आम चुनाव में जहां पार्टी को 3.7% वोट शेयर मिला था, वो अब घटकर महज 2.4% ही रह गया। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के बाद फिर से बसपा सुप्रीमो एक्टिव हो गई हैं। यही कारण है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक ऐसा दाव खेला है जो न सिर्फ बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, बल्कि 10 साल से हरियाणा की सत्ता के ताक में बैठी कांग्रेस के लिए भी भारी पड़ सकता है। दरअसल हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज गठबंधन का ऐलान किया। आज इसकी आधिकारिक घोषणा हुई। आपको बता दें कि मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने गठबंधन का ऐलान किया। उत्तराधिकारी पद पर वापसी के बाद पहली बार आकाश आनंद का ये अहम कदम है। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि मायावती और अभय चौटाला की विस्तार से बातचीत हुई थी। 90 में से 37 विधानसभा सीटों पर बीएसपी और बाकी पर INLD चुनाव लड़ेगी। वहीं आकाश आनंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अभय चौटाला ने कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं है। बीजेपी ने 10 साल में और कांग्रेस ने अपने राज में राज्य को लूटा है। हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस गठबंधन राज्य में तैयार करेंगे और सरकार बनाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसपी और एनएलओ के गठबंधन से सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में टेंशन बढ़ सकती है। राज्य में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनएलओ मायावती के सहारे दलित वोट को साधने की कोशिश में है। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है। गौर हो कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीएसपी को 1.28% वोट मिले थे, वहीं INLD को 1.74% से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को मात्र एक सीट मिली थी और 2.44% वोट से संतोष करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी को 4.21% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में इनेलो ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया था। गौर हो कि अभय चौटाला ने 6 जुलाई को मायावती से मुलाकात की थी। इस दौरान आकाश आनंद भी मौजूद थे। तब चौटाला ने एक्स पर लिखा, बीएसपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और देश प्रदेश के मुख्य मुद्दों पर विशेष चर्चा की। दरअसल 2024 में जिस तरह से मायावती की पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि मायावती अब पार्टी के प्रदर्शन से न सिर्फ निराश हैं, बल्कि पार्टी में जान फूंकने के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई हैं। यही कारण है कि मायावती अब उस हर मुद्दे पर बोल रही हैं जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसका उदाहरण हमें हाल ही में उस वक्त देखने को मिला जब हाथरस में भगदड़ कांड हुआ। दरअसल हाथरस घटना के बाद जहां सपा से लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने वोट बैंक की खातिर स्वयंभू बाबा पर एक भी शब्द नहीं बोला, वहीं मायावती ने खुलकर बाबा को पूरे मामले के लिए दोषी बताते हुए कई आरोप लगाए थे। उस घटना पर मायावती ने नारायण साकार हरि की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि जिस सत्संग में 121 लोग मारे गए, उस सत्संग का मुख्य आयोजक नारायण साकार हरि था। इसके बावजूद भी यूपी की SIT ने अपनी रिपोर्ट में उसे क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, मायावती ने आरोप लगाया कि बाकी के नेता खास वोट बैंक के कारण इस बाबा के खिलाफ चुप हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी नेता ने बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, केवल मायावती ने ही उनके खिलाफ बोला है। बाबा नारायण साकार हरि जाटव समुदाय से आते हैं और ज्यादातर उनके अनुयायी भी इसी समुदाय से आते हैं। यूपी में 20% दलितों में जाटव समुदाय के 11% लोग हैं। मायावती भी खुद जाटव समुदाय से आती हैं। इसके बाद भी वो नारायण साकार हरि के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव में खाता तक न खोल पाने वाली बसपा को हाल ही में पता चला कि उसका कोर दलित वोट और पार्टियों में जा रहा है। दलित वोट बैंक को खोता देख बसपा ने इसे रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं। पार्टी ने मेंबरशिप फीस 200 रुपए से घटाकर सीधे 50 रुपए कर दी है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि बाकी पार्टियों के मुकाबले अभी भी ये शुल्क काफी ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेने पर केवल 5 रुपए देने होते हैं और आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप फीस 0 है। पार्टी का कोई भी आकर मेंबर बन सकता है। कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप शुल्क भी 0 है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।